नमस्कार दोस्तों, कोर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 21 जून 2023 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम हमारी पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। हमारा प्रश्न था कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राला मंडल अभयारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो अभयारण्य है ये राला मंडल अभयारण्य है और ये इंदौर जिले में स्थित है। नोरादेही अभयारण्य ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है और ये सागर जिले में स्थित है। इसके अलावा नोरादेही अभयारण्य मध्य प्रदेश का सातवां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व भी बनाया जाएगा। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हमारा प्रश्न है कि अभी हाल ही में ही होजी मेला 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है। हमारा ऑप्शन है इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या ग्वालियर में। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें, सही उत्तर आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्टार्टअप पार्क बनाया जाएगा। तो स्टार्टअप पार्क बनाया जाएगा इंदौर में। आप देख सकते हैं आर्टिकल भी है कि जो एमएसएमई सबमिट हुआ है अभी हाल ही में, इसमें श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर में 35 मंजिला स्टार्टअप पार्क बनेगा। तो 19 जून 2023 को भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश एमएसएमई समिट में श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर में 35 मंजिला स्टार्टअप पार्क बनाया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई 2022 को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से जो मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी है इसे भी लॉन्च किया था। इससे पहले अभी हाल ही में ही भोपाल शहर में मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर का जो लोकार्पण है ये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है और स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में। आप देख सकते हैं कि इंदौर में दिव्य कला मेले का आयोजन शुरू किया गया है। ये शुरू हो गया है 16 तारीख से, 16 नहीं 17 जून से। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 17 जून से 23 जून 2023 तक दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला ये ग्वालियर में आयोजित किया गया था और मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल भी ग्वालियर में ही खोला गया है। और अभी हाल ही में ही किसान कल्याण महाकुंभ का जो आयोजन है ये राजगढ़ जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा। यह आयोजित किया जा रहा है जबलपुर में। आप देख सकते हैं कि जबलपुर का जो गेरिसन ग्राउंड है यहाँ पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कार्यक्रम है यह आयोजित किया जा रहा और इसमें श्री जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति हैं ये मुख्य अतिथि के रूप में, यानी कि इनके मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का जो मुख्य कार्यक्रम है ये जबलपुर के गेरिसन ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी शामिल हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश के 51 जिलों के पुरातत्व स्थलों में भी विशेष योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। और इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी थीम क्या है, तो इस वर्ष की जो थीम है यह है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इससे पहले वर्ष 2022 की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी थीम क्या थी, तो ये थी मानवता के लिए योग। वर्ष 2021 की थीम क्या थी, तो ये थी घर पर योग परिवार के साथ योग। पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये 21 जून 2015 को मनाया गया था और इसकी जो पहल है ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मरीजों को लंबी कतारों से बचाने और ऑनलाइन सुविधा देने में एम्स भोपाल देश में कौन से स्थान पर है। तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। आप देख सकते हैं इस पर आर्टिकल भी है कि मरीजों को कतारों से बचाने और ऑनलाइन सुविधा देने में एम्स भोपाल देश में तीसरे स्थान पर है। मरीजों को लंबी लंबी कतारों से बचाने और ऑनलाइन सुविधा देने के मामले में एम्स भोपाल देश में तीसरे स्थान पर है। इसमें जो एम्स दिल्ली है ये देश में पहले स्थान पर और प्रयागराज स्थित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल देश में दूसरे स्थान पर है और एम्स भोपाल तीसरे पर। और अभी हाल ही में ही एम्स भोपाल में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट है ये भी स्थापित की गई है।
और भोपाल एम्स में ही मध्य प्रदेश की पहली टॉक्सिकोलॉजी लैब भी स्थापित की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में सिकल सेल शिविर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है श्री मांगू भाई पटेल जी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि मंडला में राज्यपाल मांगू भाई पटेल ने सिकल सेल शिविर का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मंडला जिले में सिकल सेल जो शिविर है इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन राज्यपाल श्री मांगू भाई पटेल ने किया है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? यह है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। अब हम 19 जून 2023 के यानी कि जो पिछली वीडियो थी इसके मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा फायर संचनालय का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया? तो ये फायर संचनालय बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का सातवां टाइगर रिजर्व होगा? तो ये होगा नोरा देवी अभ्यारण। मध्य प्रदेश के किस जिले में एक दिन में 1552 सीमांकन का निराकरण कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो मध्य प्रदेश का जो सतना जिला है इसने अभी हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया जा रहा? क्राफ्ट बाजार का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा 21 जून 2023 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।